इंडिया में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ एक नई डिश, समोसा रिंग। ये शायद आपने पहले ट्राई नहीं की होगी, तो मेरा वीडियो देखकर जरूर ट्राई कीजिएगा। और एक बात जरूर बताऊंगी, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो बनाना शुरू करते हैं समोसा रिंग। चलो रिंग समोसा बनाना शुरू करते हैं। रिंग समोसे के लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं 2 कप मैदा, 2 आलू जिसे मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर मैश कर लिए हैं, 1 अनियन जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, 2 ग्रीन चिली इसे मैंने फाइनली चॉप कर लिए है, 4 to 5 tablespoons ग्रीन पीस, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप जरूर डालिएगा वरना आप स्किप कर सकते हो, 2 tablespoons पुदीना इसे मैंने हल्का से चॉपिंग कर ली है, 3 tablespoons कोरिएंडर लीव्स इसे मैंने चॉपिंग कर ली है, 1/4 spoon अजवाइन, 1/2 spoon सौंफ, 1/2 spoon गरम मसाला। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं समोसा रिंग। पहले हम डो बना लेंगे। तो मैदे में मैं 1/2 spoon नमक डाल देती हूँ, अजवाइन और 2 tablespoons ऑयल डालेंगे, 1/2 spoon तरह से मैंने डो लगा कर रेडी कर लिया है। ये हमें चपाती से थोड़ा हार्ड रखना है डो को, और लगभग मुझे 1/4 cup पानी लगा है डो को बनाने के लिए। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ, तब तक हम मसाला बना लेते हैं इसका। मसाला बनाने के लिए मैंने एक पैन में 2 tablespoons ऑयल लिया है, ऑयल गर्म हो जाए फिर हम बनाना शुरू करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, मैं इसमें सौंफ डाल देती हूँ, सौंफ से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, तो आप भी जरूर डालिएगा। ग्रीन चिल्ली, अनियन, अनियन हल्का ट्रांसपेरेंट हो जाए जब तक हम फ्राई करेंगे। ट्रांसप्लांट हो गए हैं, अब मैं ग्रीन पीस डाल देती हूँ। हल्का सी पीस को भी फ्राई होने देते हैं। पुदीना डाल देती हूँ, पुदीने से भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। गरम मसाला और आलू, ये
अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आलू को। कोरिएंडर लीव्स भी डाल देते हैं। अच्छी स्मेल आ रही है मसाले में से, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। मसाला ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। मसाला बनके रेडी हो गया है, मैं गैस ऑफ कर लेती हूँ और इसे एक बाउल में ले लेती हूँ। मसाले को मैंने बाउल में ले लिया है। ये मसाला हम दो तरीके से बना सकते हैं, मैंने फ्राई करके बनाया, आप चाहे तो कच्चे मसाले आलू बॉईल कर इसमें डाल सकते हो। तो अब हम अगले प्रोसेस पर चलते हैं। तो आपको एक बार फिर से हम इस तरह से मत लेते हैं। ये रोटी अच्छी तरह से सेट हो गया है, अब मैं इसकी बॉई बना लेती हूँ इस साइज की। क्लीन फ्लैट सरफेस पे हम बेलते हैं इसे। इस तरह से मैंने बेल ली है चपाती शेप की। फिर हम ये आलू का मसाला रखेंगे यहाँ पे। इस तरह से फोल्ड करना है। कट्स लगाकर फिर से हम फोल्ड करेंगे इसे। इस तरह से फोल्ड करके रखा है। और एक बाउल में मैंने 1 स्पून मैदा लिया है, इसके हम स्लरी बनाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। रेडी हो गई है, इसे मैं इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ ऐसे। और कॉर्नर्स पे हम लगाएंगे ये मैदे की स्लरी ताकि ये चिपक जाए इस तरह से। चिपका लेते हैं। और इसके ऊपर हमने जो साइड से निकाली थी वो वाली लगा लेते हैं हम इस तरह से। इस तरह से मैंने दोनों कॉर्नर्स को ज्वाइंट करके सील कर लिया है। और सारे हम इसी तरह से बनाकर पहले प्लेट में रख लेते हैं। इस तरह से मैंने सारे रिंग्स समोसा बना लिए हैं। साइड में ऑयल भी गर्म होने रख दिया है।
फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, मैं डीप फ्राई कर लेती हूँ। हमने लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे, हल्का गोल्डन हो जाए जब तक, हल्के से बबल कम हो जाए फिर हमने फ्लिप करेंगे। साइड में जगह है तो एक और डाल देती हूँ। बबल्स कम हो रहे हैं, हल्के हाथों से इन्हें इस तरह से हिलाते रहेंगे। पलटा लेती हूँ मैं इसे, दोनों तरफ से पलटाते हुए हल्के गोल्डन हो जाए जब तक हम फ्राई करेंगे। कॉन्स्टेंट हिलाना है हमें, छोड़ना नहीं है। हल्का से गोल्डन हो रहा है, हम पलटाते हुए इन्हें फ्राई करेंगे हल्की गोल्डन हो जाए जब तक। हल्का हुआ है और थोड़ा डार्क करेंगे। अच्छा कलर चेंज हो गया है, हल्के गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ ऑयल में से। सारे हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, कॉर्नर पर रखूंगी ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाएगा। ये हमारी समोसा रिंग बनकर रेडी हो गई है। मैंने इसे टोमेटो सॉस के साथ सर्विंग कर लिए, कितनी अच्छी लग रही है ना। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनेगी और बनाना भी इसे बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान रखकर बनाना होगा, बस उतना ही। तो आप मेरा वीडियो देखकर जरूर बनाइएगा, आपको भी ये बहुत ही पसंद आएगी। और आपको ये समोसा रिंग कैसे लगी है ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर एक बार नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।